बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रहीम वालेकुम काफ़ी सारे लोग पहले से आ गए हैं बहुत शुक्रिया मैं देख रहा था काफ़ी सारे कमेंट्स आए हुए हैं uh, हमारी टीम यकीनन कमेंट्स के ऊपर आप लोगों को हेल्प कर रही होगी और आपके सवालों के जवाब दे रही होगी जैसे जैसे हम गुज़रते जाएंगे आगे अगर आपके कोई सवाल हों तो आप ज़रूर उनको स्ट्रीम के अंदर पूछें और उनको जो है इन हम कोशिश करेंगे कि ड्यूरिंग द ट्रेनिंग उनको जितना टैकल कर सकते हैं और आखिर के अंदर आपको पता है कि मैं हमेशा जो है वो टाइम देता हूँ कि जितना भी आपने क्वेश्चंस करने हो आप लोग अपने सवाल कर सकते हैं और मेरी कोशिश होगी कि सारे सवाल के जवाब जो हैं वो हम आपको आप सही तरीके से दें तो आज नेशनल आइडिया बैंक की जो आइडिया सबमिशन की सीरीज है उसकी तीसरी ट्रेनिंग है हमने पहली ट्रेनिंग के अंदर आपके साथ प्रेसिडेंट साहब की डॉक्टर आरिफ अलवी की विजन शेयर की थी आ, उसका क्राइटेरिया जजिंग का शेयर किया था और सारी डिटेल्स के स्केजल क्या है टाइमलाइन क्या है किस तरह सबमिट करना है सारी चीज़ें तो उसके बाद हमने दूसरी जो हमारी ट्रेनिंग थी उसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि विनिंग आइडियाज़ कहाँ हैं कैसे अच्छे आइडियाज़ के बारे में आप सोच सकते हैं किन प्रॉब्लम्स के ऊपर आपको फोकस करना है तो उसके हवाले से था और आज का जो हमारा प्रोग्राम है उसका जो मकसद है वो ये कि आप अपनी एंट्री को प्रिपेयर कैसे करेंगे और सबमिट कैसे करेंगे जो आपने अपना आइडिया डालना है इस वेबसाइट के ऊपर जा कर उसके लिए तैयारी कैसे करनी है और उसको आप सबमिट कैसे करना है तो ये क्या के कहते हैं हमारा आज का मेन टॉपिक रहेगा थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको बता दूं नेशनल आइडिया बैंक एक कंपटीशन है लिहाजा इस कंपटीशन के अंदर सब लोग अपने आइडियाज लेकर आएंगे और सबमिट uh, करेंगे पहले सिटी लेवल के ऊपर कंपटीशन होगा फिर सिटी लेवल से टीम्स जो हैं वो प्रोविंशियल लेवल पर आएंगी और प्रोवेंशल लेवल से फिर जो विनर्स हैं वो नेशनल लेवल पर आएंगे ये मैं वाजे कर दूं कि आपके आइडियाज अगर इसमें सेलेक्ट ना भी हों तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके आइडियाज विनिंग नहीं है इसमें एक क्राइटेरिया है जिस क्राइटेरिया के ऊपर सारे का सारा असेसमेंट होगा लेकिन आपका आइडिया बिल्कुल भी जो है वो आ, आ, अपना इन नहीं है आ, अगर वो सेलेक्ट नहीं हुआ सो so, आपने अपने आइडियाज के बारे में डिसहार्ट नहीं होना है ये एक कंपटीशन है और इसके अंदर मुख्तलिफ वजूहत की बुनियाद पर चीजें उनकी स्कोरिंग की जाती है आइडियाज़ की तो प्लीज आ, उसके बारे में ज़्यादा परेशान नहीं होइएगा आपका आइडिया विनिंग आइडिया है इसमें बारह शहर हैं बुनियादी तौर पर जो कि फनल के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं यानी आप किसी भी शहर से जहाँ से भी आप चाहें इट डजन मैटर कि आप पाकिस्तान में रहते हैं या पाकिस्तान से बाहर रहते हैं एज लॉन्ग एज आप पाकिस्तानी हैं तो आप किसी भी शहर आ, से जो है अपनी एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं और उसमें आपका बेसिकली जो ओनली चीज ये है कि अगर आप अपने आइडिया के प्रेजेंटेशन के लिए जाएंगे तो हो सकता है उस शहर जाना पड़े लेकिन ऑनलाइन भी हो सकता है तो बारह ये बारह शहर हैं भहालपुर फैसलाबाद गिलगित बल्तिस्तान हैदराबाद इस्लामाबाद एंड फेडरल कैपिटल एरिया रावलपिंडी कराची लाहौर मर्दान पिशावर कोयटा सियालकोट और सखर इसमें हर जगह के ऊपर आप देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी होस्ट है और वो यूनिवर्सिटी जो है उसके कॉन्टेक्ट पर्सन भी यहाँ पर मौजूद है उम्मीद है आप लोगों को मेरी आवाज़ बिल्कुल साफ आ रही होगी अगर अ, मेरी टीम से गुजारिश है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है अ, सुनने में या देखने में तो मुझे जूम के ऊपर प्लीज आके इन्फॉर्म कर दें इसमें कुछ प्राइजेस होंगे तकरीबन ढाई मिलियन रुपए के कैश प्राइजेस हैं और इसके अलावा अ, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये कि जो विनर्स हैं उनको एक्सक्लूसिव टाइम मिलेगा टॉप सीईओस के साथ मिनिस्टर्स के साथ और दूसरे लीडर्स के साथ Uh, इसके अलावा जो दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल इनक्यूबेशन प्लेटफॉर्म है आइडियाजिस्ट जिसका कि मैं फाउंडर हूँ उनकी तरफ से तमाम आइडियाज़ जो विनिंग उसमें आएंगे सिटी लेवल आएं, आएं, पर आएँ प्रोवेंशल लेवल पे आएँ और नेशनल लेवल पर आए तमाम विनिंग आइडियाज़ को फ्री इनक्यूबेशन प्रोवाइड की जाएगी आइडियाजिस्ट के ग्लोबल प्लेटफॉर्म के ऊपर इसके अलावा पाकिस्तान हंड्रेड का एक्सलेटर का प्रोग्राम है वो आइडियाज जो रेडी हैं एम वी पी के साथ उनके लिए ये एक्सलेटर का प्रोग्राम है और इसमें फंडिंग भी अवेलेबल है इन टर्म्स ऑफ इसके साथ एक एंजल इन्वेस्टर्स का नेटवर्क है तो आपके जो आइडियाज रेडी हैं उनको इस प्रोग्राम के अंदर भी शामिल किया जा सकता है इससे पहले कि हम आज के टॉपिक के अंदर जाएं डिटेल uh, में जाएं और उस पर डिस्कशन शुरू करें मैं ये चाहूंगा कि आप ये दो तीन चीजें हैं जरा इसको देख लें और अगर आपने नहीं किए हैं अब तक तो प्लीज इनको जरूर कर लें क्योंकि ये आपके आगे एंट्री की प्रिपरेशन के लिए भी और वैसे भी ओवरऑल नॉलेज के लिए प्रोग्राम के हवाले से इम्पोर्टेंट है एक तो आप प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सिंपली सब्सक्राइब का बटन दबा के और जो नोटिफिकेशन हैं उनको ऑन रखिए ताकि नए प्रोग्राम्स जो आए वो आपको आ, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे इसके अलावा आप फेसबुक के पेज के ऊपर जा सकते हैं आ, और फेसबुक पे पेज के ऊपर हमको फॉलो कर लें पेज को ताकि वहाँ पे अगर कोई अनाउंसमेंट्स आ रही हैं तो वो आपको मिलती जाए इसी तरह ट्विटर का है तो आप ट्विटर के अगर ट्विटर यूज करते हैं तो आप ट्विटर पर हमें फॉलो कर लें इसके अलावा ये आ, दो मैसेज ईमेल एड्रेसेस हैं इनको आप अपने कॉन्टेक्ट्स में ऐड कर लें उस ईमेल के अकाउंट पे जिस ईमेल का अकाउंट आप यूज़ कर रहे हैं हमारे साथ ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जब आप इनको कॉन्टेक्ट्स में यूज ऐड uh, कर लेंगे तो आपका जो ईमेल uh, का प्रोग्राम है वो इन ईमेल्स को गलती से जंक या स्पैम में नहीं भेजेगा बल्कि आपके इनबॉक्स के अंदर आएंगी और अगर ये uh, आपने नहीं किया तो हो सकता है कि आप कोई इम्पोर्टेंट मैसेजेस जो हैं वो मिस कर लें तो प्लीज ये सिंपल सी चीजें हैं जो आप एक दो मिनट में कर सकते हैं चाहे तो इस स्क्रीन की पिक्चर ले लें और इसको आप बाद में कर लें इसके बाद हमने कुछ बात की थी विनिंग आइडियाज के हवाले से और हमने लास्ट ट्रेनिंग के अंदर के अच्छे आइडियाज क्या होते हैं और कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिनके ऊपर फोकस करना होता है तो एक छोटी सी समरी उसकी के गुड आइडियाज़ जो हैं वो प्रॉब्लम्स में छुपे हुए होते हैं सो so, प्रॉब्लम्स जो आज नजर आ रही हैं या जो प्रॉब्लम्स कल आ सकती हैं उनके बारे में सोचें uh, ये देखें कि दुनिया कैसे बदल रही है और इंसान की नॉलेज की हद कहाँ पर है वहाँ से आगे इनोवेशन है आ, थोड़ा सा दिन में ख्वाब देखें आ, और थोड़ा सा सोचें कि क्या किया जा सकता है आ, जो एक अच्छा आइडिया है उसकी खूबी यह है कि वो लोगों की जिंदगी बेहतर बनाता है वो उनके काम को बेहतर बनाता है वो उनकी क्वालिटी को प्रोडक्ट की या सर्विस की बेहतर बनाता है उनका टाइम सेव करता है उनके पैस, पैसे सेव करता है उनको किसी पेन को किसी आ, जिसको आप कहें कि तकलीफ देह चीज को तकलीफ में कमी पैदा करता है या उनको कहीं पे कोई एक्स्ट्रा फ़ायदा कोई पहुंचा रहा होता है तो ये एक अच्छे अच्छे आइडिया की निशानी है तो आप जब अपना आइडिया सोचें तो आप सोचें कि मेरा आइडिया कैसे किसी की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करेगा किसी के काम को इम्प्रूव करेगा नेशनल आइडिया बैंक ने छ एरियाज फोकस एरियाज सेक्टर सेलेक्ट किए हैं और हर सेक्टर के अंदर तीन चार प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं जो कि आप देख सकते हैं फ्रिक्वेंटली हैं और जो मेरी पिछली ट्रेनिंग थी उसके अंदर इनकी डिटेल भी है तो उसमें एग्रीकल्चर है कंस्ट्रक्शन है एजुकेशन है ई कॉमर्स नेचुरल रिसोर्स एंड ई कॉमर्स के अंदर फिनटेक भी शामिल है। uh, तो आप देख सकते हैं कि आपका आइडिया किस एरिया के अंदर किस सेक्शन uh, में जो है वो एप्लीकेबल uh, होगा अगर आप चाहें तो जो हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स प्रोवाइड किए हैं उनके ऊपर काम कर सकते हैं और आप चाहें तो uh, दूसरे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स के ऊपर काम कर सकते हैं लेकिन फिर आपने आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा अपना तो ये जरूरी है कि आपको पता हो कि आप कौन से एरिया पे फोकस करना चाहते हैं अब आज का जो हमारा आ, सेशन है उसमें हम ये बात करेंगे कि सबसे बेहतरीन तरीका क्या है अपने आइडियाज को सबमिट का और उसके लिए आप कैसे आगे बढ़ेंगे तो लास्ट ट्रेनिंग के अंदर हमने आपको बताया था कि चार स्टेजेस हैं पहले प्रॉब्लम सेलेक्ट करें फिर अपनी प्रिपरेशन करें फिर सबमिट करें और फिर उसके बाद नवंबर के तीसरे हफ्ते तक इंतजार करें जब हम आ, सिटी लेवल पिचेस शुरू करेंगे अब इसमें आ, जो आज मैं कवर करना चाह रहा हूं वो ये कि प्रिपरेशन कैसे करनी है और आइडिया सबमिट कैसे करना है पिछली ट्रेनिंग के अंदर हमने आ, जो है वो प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस किया था आप पिछली वीडियो देख सकते हैं अगर आप चाहें तो प्रिपरेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट तरीन चीज ये है कि आप अपने तमाम जवाब पहले से तमाम की क्वेश्चंस के लिख के रखें तो उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी और वो तैयारी जो है वो टाइम कंज्यूमिंग है ऐसा नहीं है कि बस पाँच मिनट में आप कर लेंगे लेकिन इस तैयारी के बगैर अगर आप जाएंगे तो आपके फेलियर के चांसेस ज़्यादा हैं अपने आइडिया के लिए भी और कंपटीशन के लिए भी सो बाय फेलिंग टू प्रिपेयर यू आर प्रिपेयरिंग टू फेल अगर आपने प्रिपेयर नहीं किया तो आपके चांसेस बहुत कम हैं तो लिहाजा डजेंट मैटर कि आप कितना कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं कि मुझे सब पता है उसके बावजूद ये अच्छा है कि आप उसको प्रिपेयर करें प्रिपेयर करने के लिए आपको क्या करना है प्रिपेयर करने के लिए आपने एक वर्ड डॉक्यूमेंट या गूगल डॉक बनाना है जिसमें सारे आंसर्स आप लिखते जाएं अपने चॉइसेस को रिसर्च करें ताकि आपको पता हो आ, कि आप जो जवाब दे रहे हैं वो जवाब सही भी है सही तरीके से आप दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं उसको सही तरीके से उसके उस जवाब को देने का अच्छा तरीका क्या है उसके बाद अपनी तमाम चीजों को लिखने के बाद आप उनके ऊपर सोचें और गौर करें कि ये सब सही है या नहीं है आखिरी दिन का इंतजार ना करें ये सब काम करने के लिए ये काम पहले कर लें लेकिन अपना आइडिया आखिरी दिन सबमिट करने ना बैठे दो चार दिन पहले मैंने लास्ट ट्रेनिंग के अंदर कहा था कि बिटवीन नवंबर फर्स्ट एंड नवंबर सेवेंथ आप जो है अपना आइडिया सबमिट करें इंतजार करें तैयारी पूरी करें बार बार देखें अपने जवाब को और फिर उसके बाद जब आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट फील करें तो फिर अपने आइडिया को सबमिट करें अपने आइडिया को सबमिट करने के बाद आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें कि आपने जजेस को क्या प्रेजेंट करना है आपके पास छोटा थोड़ा सा टाइम होगा उस थोड़े से टाइम में आपने अपना आइडिया बयान करना है जज फिर आपसे सवाल करेंगे उन सवालों का जवाब देना है तो आपने अपने आप को प्रिपेयर करना है उसके लिए तो ये चीजें आपको जहन में रखनी चाहिए जब आप अपनी एंट्री के हवाले से सोच रहे हैं कि मुझे कैसे एंट्री करनी है अच्छा जी तो पहले तो मैं आपको एक अच्छी खबर ये बताऊं कि आज मैं आप लोगों को एक गिफ्ट देने वाला हूँ अच्छा वो गिफ्ट जो है वो सभी लोगों को अवेलेबल होगा जाहिर है आप लोग वो पहले अवेलेबल होगा क्योंकि आज, आज आप इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पर और जो दूसरे लोग हैं उनको बाद में अवेलेबल होगा जब वो इस वीडियो को आके देखेंगे मैंने एक सिंपल सी टेम्पलेट प्रिपेयर की है आप लोगों के लिए और ये टेम्पलेट आपको मिल जाएगी ई में आज इस सेशन के बाद आप सब लोगों को और इस टेम्पलेट में आपके एक एक क्वेश्चन के बारे में आ, अगर कुछ लर्न करना है तो आपको लिंक्स उसमें दिए गए हैं और उसमें जो ऑप्शन हैं वो दिए गए हैं कहाँ पे कौन सी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं ये सारी इसके अंदर बयान कर दी गई हैं इस डॉक्यूमेंट में हमने आपको स्कोरिंग का क्राइटेरिया भी डाल दिया है और टाइमलाइन भी डाल दी तो ये एक तरीके का आपका डॉक्यूमेंट तैयारी के लिए कि आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्रिपरेशन के लिए और इसमें चीज़ें लिखते जा सकते हैं और फिर जब आप तैयार हो जाएं बिल्कुल तो आप अपनी अपने प्रॉब्लम को तो सबमिट कराएं अपने तो सॉरी करा आइडिया को तो ये डॉक्यूमेंट आपको अवेलेबल होगा और अब मैं आपको दिखाऊंगा इस डॉक्यूमेंट को आपने कैसे यूज़ करना है क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये काफ़ी सारा काम है और ये सारा काम आपने पहले करना है तो लिहाजा अच्छा है कि आप यू नो इसमें जितनी भी चीज़ें उनके ऊपर अच्छी तरह गौरव फिक्र कर लें इससे पहले के आ, आप इस आइडिया को सबमिट करें ठीक है अच्छा अब मैं आपको आ, दिखाता हूँ कि मैंने इसको यूज कैसे किया है तो मैंने एक आइडिया अपनी तरफ से आ, और कोई प्रोप्राइटरी नहीं है आप चाहें तो ये आइडिया इस्तेमाल कर सकते हैं आ, मैंने अपनी तरफ से एक आइडिया पिक किया और मैंने बेसिकली एजुकेशन uh, को सेलेक्ट किया और एजुकेशन के अंदर जो मुझे लगा कि प्रॉब्लम एरिया है वो लिटरेसी का ओवरऑल तो प्रॉब्लम एरिया में uh, मैंने बेसिकली लिटरेसी uh, को पावर्टी को पिक uh, किया uh, और उसके बाद ये आइडिया जो है मैंने लिखना शुरू किया तो बेसिकली प्रॉब्लम जो लिटरेसी की है, एक्सेप्ट कम्युनिटी लिटरेसी वर्क फॉर सिक्स फाइनल ईयर प्रोजेक्ट तो मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ इस आइडिया में कि हायर एजुकेशन कमीशन और यूनिवर्सिटीज मेरे साथ इसके ऊपर काम कर सकती हैं कि um, जो स्टूडेंट्स आखिरी साल के अंदर अपने काम कर रहे हैं बजाय इसके कि वो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के ऊपर काम करें वो ऑप्शन ले सकते हैं कि छह महीने की कम्युनिटी सर्विस जिसमें वो लिटरेसी को इम्प्रूव कराएंगे तो इस तरह ये फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट के बजाय ये दे विल हैव एन ऑप्शन मेरा आइडिया मुकम्मल तौर पे नया नहीं है और लेकिन एग्जिस्टिंग uh, चीज़ों को इम्प्रूव कर रहा है मेरा आइडिया पेटेंटेड भी नहीं है तो इस वजह से कोई पेटेंट रजिस्ट्रेशन नंबर भी इसका मौजूद नहीं है उसके बाद सवाल आया कि वाई माई आइडिया इज इम्पॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान एज ए कंट्री तो इसके जवाब में मैंने बताया कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है कि 5 लाख के करीब यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हर साल पाकिस्तान में होते हैं अगर इनमें से आधे जो हैं स्टूडेंट 6 महीने के लिए कम्युनिटी सर्विस करें और सौ लोगों को क्या कहते के, हैं बेसिक आ, डिजिटल लिटरेसी यानी जिसमें फ़ोन को इस्तेमाल करना इंटरनेट को इस्तेमाल करना और फाइनेंशियल लिटरेसी के किस तरह बैंक अकाउंट खोलना है किस तरह अपनी फाइनेंशियल uh, प्लानिंग करनी है सिंपल दो चीज़ें अगर इनको बता दें तो 25 मिलियन लोग हर साल ये लर्निंग कर सकते हैं और विद इन फोर टू फाइव इयर्स हम पाकिस्तान के अंदर बुनियादी तौर पर लार्ज स्केल तब्दीली ला सकते हैं इन टर्म्स ऑफ नो कि इसको लिटरेसी लोगों की बेहतर हो और वो बेहतर प्लानिंग कर सकें उनके पास बेहतर क्या कहते हैं अपना जॉब अपॉर्चुनिटीज हो उनको समझ आती हो चीजों की और उनके पास ये टूल हो कि वो इंटरनेट पे जाके फिर चीज़ों को आगे देख सकते हैं टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल मेरा जो है वो बिल्कुल अभी लो है आ, टू या थ्री टू टू के ऊपर होगा आप लर्न कर सकते हैं टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल्स के हवाले से यहाँ पे आप क्लिक करें तो आपको डिटेल मिल जाएगी आ, उसके बाद अगला सवाल है कि मैंने टेक्नोलॉजी मेचुरेशन प्लान बना लिया है अगर बना लिया है तो क्या डिटेल है तो इसमें मैंने थोड़ा बहुत बनाया कि वायल इट इज अ कॉन्सेप्ट लेवल मोबाइल फोन बेस्ड ऐप विल बी डेवलप फॉर स्टूडेंट्स टू इन इन प्रोग्राम एप्लीकेशन डेवलपमेंट इज फेयरली सिंपल एंड कैन बी रोल्ड आउट विद इन सिक्स मंथ्स ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है जाहिर है कि ये इस वक्त की अंडरस्टैंडिंग है बाद में ये बदल भी सकती है अच्छा उसके बाद सवाल आया कि हैव आई टू टू नीडेड डेवलप द टेक्नोलॉजी और द सोल्यूशन तो जवाब है कि हाँ मैंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी जो ऐप बनाएगी उसको भी सेलेक्ट कर लिया है और जो मेरी यूनिवर्सिटी है वो भी पायलट uh, प्रोजेक्ट करने को तैयार है

इसके बाद ये सवाल है कि कैन माय प्रोडक्ट सर्विस बी प्रोड्यूस एट अ लार्ज स्केल तो ये सिंपली यस और नो या सिलेक्शन है ड्रॉप डाउन है जिसमें आपने सेलेक्ट करना है कोई और एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर आपने देनी है तो मेरी कोई नहीं है यहाँ पर और माय टीम के अंदर मैंने वी हैव टोटल थ्री टीम मेंबर्स और एक छोटी सी स्नैप uh, दी है uh, इसके हवाले से ये जो टेम्पलेट मैंने आपको uh, दिखाई है इसके अंदर आपको टिप्स भी दी हुई हैं तो अगर आप चाहें तो ये टेम्पलेट में जब आप देखें कि मिसाल के तौर पे इसमें लिखा हुआ है कि माय टीम प्रोवाइड अ ब्रीफ ऑन योर टीम मेंबर्स एंड हाउ देयर एक्सपीरियंस इज रेलेवेंट टू योर आइडिया इधर उधर की बातें नहीं लिखनी है ये लिखना है कि उनका जो एक्सपीरियंस है या उनकी जो एजुकेशन है वो किस तरह आपको अपना काम करने में मदद देगी खाली इस वजह से नहीं कि वो आपके दोस्त हैं बल्कि इफ इफ दे आर गोइंग टू बी हेल्पफुल तो इसके हवाले से

तो एक तरीके से आपको बताना यह है कि आपकी टीम जो है वो किस तरीके से आ, इस आइडिया को डेवलप करने में हेल्प कर सकती है खाली ये इम्पोर्टेंट चीज़ है ये नहीं इंपॉर्टेंट है कि आप एथलीट हैं या आपने अगर आपका आइडिया एथलेटिक्स से है तो अलग बात है सो यू नीड टू फोकस ठीक है तो ये uh, अपना टेम्पलेट आपको अवेलेबल होगा जैसे मैंने आपको बताया आज इस प्रोग्राम के बाद आप लोगों को ईमेल के अंदर भी मिल जाएगा और बाद में वेबसाइट के ऊपर भी अवेलेबल होगा सो यू कैन यूज इट एज योर प्रिपरेशन शीट ये प्रिपेयर है इसके बगैर आप आइडिया सबमिट कराने ना जाए अब हम जाते हैं कि फर्ज अब फर्ज कर लिया कि हम तैयार हैं यानी जो मैंने ये तैयारी की है ये रेडी है अब मैं जा रहा हूँ आइडिया सबमिट कराने के लिए और आप देखें ये कितना फास्ट काम होगा वह मुश्किल सात आठ मिनट के अंदर ये आइडिया सबमिट हो जाएगा तो लेट्स डू दैट लेट मी गो ऑनलाइन और ये हम आ गए ऑनलाइन तो ये एन आई बी की साइट है सबमिट आईडिया के पेज पर हूँ मैं तो सबमिट आईडिया का जो पेज है उस पर आप क्या कहते हैं स्क्रॉल डाउन करें यू कैन वॉच सम थिंग्स यू कैन एक्सप्लोर डिफरेंट सेक्टर्स अब उनके प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स ये सब यहाँ मौजूद हैं और आप नीचे जाएंगे तो थोड़ी और इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है डाउनलोड uh, गाइड है हमारी आइडिया सबमिशन की वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्यूचर में ये जो डॉक्यूमेंट मैंने आज, आज आपके साथ टेम्पलेट शेयर की है वो भी यहाँ पर अवेलेबल होगी तो आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं उसको फ्यूचर में तो इसमें आपने

आ, अपने जेंडर सेलेक्ट की आ, मैंने अपना नंबर डाला इधर बहुत स्मार्ट है आ, मैंने अपना ईमेल डाला मैं ये गलत ईमेल डाल रहा हूं लेकिन आप लोग गलत ईमेल नहीं डालिएगा ठीक है मैं तो सिर्फ इसलिए डाल रहा हूं कि ये वीडियो पब्लिकली अवेलेबल है तो आम, तो मैंने सिर्फ क्या कहते के, हैं अपना यहां पे बेसिक इंफॉर्मेशन डाली है आप प्लीज उल्टी सीधी इंफॉर्मेशन नहीं डालिएगा अपनी करेक्ट इंफॉर्मेशन डालिएगा ठीक है मैं सिर्फ ही आपको दिखाने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कंट्री ऑफ रेजिडेंस के अंदर अगर आप पाकिस्तान में हैं तो पाकिस्तान सेलेक्ट कर लें और अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं तो आप जिस भी कंट्री के अंदर रहते हैं वो कंट्री सेलेक्ट कर लें तो मैं अभी पाकिस्तान ही सेलेक्ट कर रहा हूँ Uh, उसके बाद मेरी यूनिवर्सिटी जिसको मैंने लास्ट अटेंड किया था तो मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ़ सिंध को किया था यूनिवर्सिटी ऑफ़ सिंध या यहाँ पर ये यह अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है तो आप इसको आप इसको स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं uh, मेरी करंट कंपनी का नाम है ideajs.com डॉट कॉम तो मैंने यहाँ डाल दिया उसके बाद आपने कहा आपको ये कन्फर्म करना है कि ये आप पाकिस्तानी हैं सिर्फ पाकिस्तानी जिनके पास वैलिड सी एन आई सी या क्या के कहते हैं अपना नाइकॉप जिसको कहते हैं वो है वही अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास जो पाकिस्तानी नहीं है वो नहीं कर सकते तो मैंने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया अगले पेज के ऊपर आ गया अब यहाँ पे जो मैं काम करने जा रहा हूँ उसका टीम लीड कौन है तो मैंने कहा कि उसका टीम लीड मैं ही हूँ Uh, किस प्रोविंस से अब आपकी मर्जी है आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं ठीक है सो यूज़ इट वाइजली मैं कराची में हूँ तो मैंने कहा कि जी मैं कराची से अप्लाई कर रहा हूँ अच्छा आप अगर इन शहरों में से किसी शहर में नहीं रहते हैं तो कोई मसला नहीं है आप वो शहर जिस जो आपको आसान लगता हो जाना जिससे आप करीब हो वो शहर आप सेलेक्ट कर लें इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि जी आप वहाँ रहते ही हों जिस शहर से आप सेलेक्ट कर रहे हो ये सुपर लीग की तरह टीमें बन रही हैं शहरों की ना तो आप आ, कराची के होते हुए भी, भी पेशावर के अंदर शामिल हो सकते हैं ठीक है तो मैं आपको हिंट दे रहा हूं आ, इसमें हम आ, मेरी प्रॉब्लम एजुकेशन से रिलेटेड थी आ, और आ, लो इनरोलमेंट Uh, मैंने एस आपको बताया था कि मेरा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं बल्कि नो पावर्टी से सॉरी तो नो no पावर्टी और एडिशनल के अंदर मैं क्वालिटी एजुकेशन और क्या कहते हैं अपना डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ये दो रखना चाहता हूँ uh, क्योंकि मेरे आइडिया में जिन लोगों को लिटरेसी मिलेगी ज़ाहिर है कि उनको का, उनके काम में बेहतरी होगी उनकी इकनॉमिक uh, हालत बेहतर होगी तो ये दोनों एरियाज़ uh, हैं uh, मेरा आइडिया अभी सिर्फ आइडिया है uh, उसके बाद ये पूछ रहे हैं कि मेरा आइडिया क्या है तो मैं अपने डॉक्यूमेंट में जाके मैंने लिखा uh, हुआ वा था वाट इज़ माई आइडिया ये मैंने यहाँ से कॉपी करके इधर पेस्ट कर दिया एंड देन आई गो टू नेक्स्ट नेक्स्ट पे आया इज़ योर आइडिया कम्प्लीटली ओरिजिनल Uh, तो नहीं इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट मैं कोई बिल्कुल ब्रांड न्यू एक नई चीज़ नहीं लेकर आ रहा इज योर आइडिया पेटेंटेड नहीं ये सिर्फ आइडिया है आइडिया पेटेंट नहीं होते uh, उसके बाद सवाल आया प्लीज एक्सप्लेन द रेलिस्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ योर आइडिया वैसे अगर आपका आइडिया पेटेंटेड है तो आप आइडिया पेटेंट नहीं होता जो डिवाइस या जो आपका प्रोसेस या जो चीज आपने बनाई है वो पेटेंट होती है तो अगर पेटेंट है तो आप उसको यस करके और यहाँ पे पैटेंट नंबर डालेंगे अपना या या रजिस्ट्रेशन नंबर नंबर सर्टिफिकेट जो भी आपका आपका है और अगर आपका आपने अप्लाई किया है लेकिन अभी मिला नहीं है पैटेंट पेंडिंग है तो यहाँ पे आप लिख देंगे पेंडिंग ठीक है तो ये जहन रहे आपके बहरअल यहाँ पे मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है उसके बाद सवाल आया कि ये नेशनल इंपॉर्टेंस क्यों है वाई डू आई थिंक ये नेशनल लेवल की इंपॉर्टेंस की चीज है तो मैंने उसके ऊपर एक यू नो छोटा सा राइट अप बना के लिखा हुआ था सो दिस इज इंपॉर्टेंट नेशनली मैंने उसको यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दिया um, ये मेरी स्पेलिंग चेकर और ग्रामर चेकर आ रहा है आप लोग भी अगर चाहें तो ग्रामरली यूज कर सकते हैं फ्री टूल के तौर पे। इट्स वेरी वैल्यूएबल जब आप स्पेशली अंग्रेजी के अंदर काम कर रहे हैं वैसे आप अपना आइडिया उर्दू में भी सबमिट करा सकते हैं सो so प्लीज uh, कोई जरूरी नहीं है कि आप अंग्रेजी के नहीं अंग्रेजी में ही करें ठीक है सो टी आर एल टू ये आपकी टेक्नोलॉजी रेडीनेस है जैसे मैंने आपको बताया लिंक दिया हुआ है टेम्पलेट डॉक्यूमेंट में आप लर्न कर सकते हैं कि टी आर एल का स्टैंडर्ड क्या है टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल टी आर एल का स्टैंडर्ड ओरिजिनली नासा ने डेवलप किया था फिर यूरोपियन यूनियन ने उसको इम्प्रूव किया एंड इट्स रियली गुड स्टैंडर्ड जस्ट टू नो कि आप टेक्नोलॉजी जो बना जिसकी बात कर रहे हैं उसमें आप किस लेवल पर हैं अच्छा जी उसके बाद ये पूछ रहे हैं कि हैव यू डेवलप्ड किनोलॉजी मेचुरेशन प्लान टू डेवलप आइडियाज टू डिप तो मेरे पास प्लान मैंने बनाया हुआ है थोड़ा सा तो यस टी आर एल सिक्स के लेवल का प्लान मैंने बनाया है और मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है तो यहां से मैंने कॉपी किया और आप देख रहे हैं क्योंकि बड़ी लंबी लंबी कहानियां नहीं लिखनी है बेसिक इंफॉर्मेशन देनी है यहाँ पे और अपने को, अपना अ, प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन इससे बेसिक चीजें आपने प्रोवाइड करनी उसके बाद अगला सवाल आया कि आपके पास जो है वो पार्टनर्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं तो यस ये मैंने इसका टाइप करके रखा हुआ था यहाँ से उठाया मैंने इधर कॉपी कर लिया। उसके बाद क्या आपने कोई इन्वेस्टमेंट अब तक रेज की है फैमिली फ्रेंड से इन्वेस्टर से या किसी से तो नहीं डू हैव अ बिजनेस प्लान सो वी आर वर्किंग ऑन इट 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 सो इज इज इन प्रोसेस स्केलेबल टू फुल स्केल प्रोडक्शन लेवल यस इट कैन बी बिल्ड टेस्टेड इन रियल लाइफ इन्वायरमेंट कोई इसके अंदर um, ऐसी uh, टेक्नोलॉजी का ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जिसको अभी हल होना बाकी हो टेक्नोलॉजी की साइड के ऊपर कोई मेजर इशू नहीं है सो यस इट कैन बी बिल्ट एंड टेस्टेड तो उसके आगे हम नेक्स्ट के ऊपर गए एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन मेरे पास कोई नहीं है तो आई डोंट हैव एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे मैंने लिख दिया उसके बाद मेरी लिंक्डइन की प्रोफाइल तो मैं अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल यहाँ पे टाइप कर देता हूँ गूगल स्कॉलर वो भी है हमें मतलब बार छोड़ दें उसको भी मैं नहीं टाइप कर रहा आप चाहें अगर आपके गूगल स्कॉलर का आ, या एकेडमिक उसका कोई यूआरएल है प्रोफाइल का तो वो डाल सकते हैं टेल अस अबाउट योर टीम तो यहाँ पर मैंने अपनी टीम के बारे में जैसे मैंने बताया था थोड़ा सा आ, टाइप किया हुआ है मैंने अपनी टीम की इंफॉर्मेशन उठा के चाहें तो आप टीम मेम्बर्स के नाम भी दे सकते हैं थोड़ी ज़्यादा डिटेल भी दे सकते हैं टीम के बारे में आ, उसके बाद लास्ट पार्ट है कि आप एन से क्या हेल्प तो कर रहे हैं इस जाहिर है प्राइज प्राइज मनी अपनी जगह के ऊपर और प्राइज के साथ जो और चीज़ें हैं वो अपनी जगह पर लेकिन आप कहाँ समझते हैं कि इस वक्त नेशनल आइडिया बैंक आपको नेक्स्ट लेवल पे किस तरह ले जा सकता है तो फर्ज करें कि हमें आ, मेंटरिंग की जरूरत है तो हमने कहा मेंटरिंग उसके बाद ये लास्ट फाइनल स्टेटमेंट है कन्फर्मेशन का कि मैंने एप्लीकेशन uh, uh, जो uh, सही तरीके से पढ़ी है सारी इंफॉर्मेशन मैंने करेक्टली दी है और सारी चीज़ें और उसके बाद आपको ये नीचे जो सारा का सारा आपने अब तक की फिल किया है वो सारी इंफॉर्मेशन आ रही है अच्छा इस मौके पे आप चाहें तो प्रीवियस पे जाके अपनी एडिट कर सकते हैं चीज़ें एडिटिंग का पूरा आपके पास चांस है और पिछली पे जाके कर सकते हैं आप चाहें तो और जहां कोई चेंज करनी है वहां चेंज करके और वापस आप इधर आ सकते हैं आ, अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन ड्रॉप भी हो जाए तो ये फॉर्म की इंफॉर्मेशन महफूज रहेगी बस विंडो को ना क्लोज़ कीजिएगा तो आपकी फॉर्म की इंफॉर्मेशन कहीं नहीं जाएगी आप दो तीन दिन चार दिन पांच दिन भी ले सकते हैं तो यहाँ पे मैंने शायद गलती से जेंडर आ, फीमेल सेलेक्ट कर लिया है लेकिन मैं फीमेल नहीं हूँ तो लिहाजा मुझे जाके इसको चेंज कर लें ठीक है जी तो पहले पेज के ऊपर मैं गया और मैंने यहाँ पे जाके इसको मेल सेलेक्ट किया और नेक्स्ट 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 ये आ गया अच्छा जी तो अब सारी इंफॉर्मेशन मैंने देख ली एवरीथिंग लुक्स गुड टू मी जो मैंने रिकॉर्ड किया था अब मैं यहाँ पे सबमिट करने वाला हूं जब ये सबमिट में दबा दूंगा तो फिर मेरे पास कोई चांस नहीं है एडिटिंग uh, का तो लिहाजा ये बिल्कुल एग्जाम पेपर की तरह है आपने ख़त्म कर लिए सारी चीज़ नाउ यू आर रेडी टू सबमिट हेयर आई गो मेरा आइडिया सबमिट हो गया मेरे पास एक ईमेल आ गई होगी जो जाहिर सी बात है मैंने गलत ईमेल एड्रेस दिया था प्लीज गलत ईमेल एड्रेस मत दीजिएगा तो uh, जाहिर है मुझे कहीं नहीं मिला होगा ये लेकिन बहरल यू गॉट द आइडिया कि आपने अपना आइडिया कैसे सबमिट कराना है प्रिपरेशन कैसे करनी है प्रिपरेशन के लिए टेम्पलेट आपको ये अवेलेबल होगी तो हर आसानी हमने आपको प्रोवाइड कर दी है आप अपने आइडिया को पांच दिन लें छह दिन लें अपनी एंट्री सबमिट ना करें उसको एडिट करते रहें जितना चाहें वंस यू आर रेडी सबमिट द आइडिया ठीक है तो ये आज की इस टोटल ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव था अब मैं आ, इसको अपनी जो स्क्रीन शेयर है इसको स्टॉप कर रहा हूं एंड देन वी विल गो एंड सी हाउ वी कैन आंसर योर क्वेश्चन ओके टीम आप लोगों के पास कुछ क्वेश्चन हैं रेडी इस वक्त पार्टिसिपेंट में मेरे साथ कौन है यहाँ जूम पे अच्छा रुकैया और सईदा हैं ठीक है अच्छी बात है तो लेट्स सी के क्या क्या सवालात आ रहे हैं हमारे पास आ, और प्लीज़ आप लोग भी सवाल पिक कर सकते हैं एहतमाम दिलबर भाई ये किस चीज़ के लिए हैं अब मुझे नहीं पता एहतम अपना सवाल क्लियर कीजिए अब्दुल रहमान कह रहे हैं थैंक यू सो मच यूर वेलकम अब्दुल रहमान मेरा मकसद यह है कि आप लोगों को ज्यादा uh, से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिले जवार शाह इट अमेजिंग थैंक यू जवार अमेजिंग uh, उस वक्त होगा जब आप इसके ऊपर अमल करके इन शाइडिया uh, uh, जो है वह आगे आएगा मुझे उसी वक्त सबसे ज्यादा uh, खुशी होगी सना यूसुफ सनाउल्लाई वाओ नाइस सेशन आई रियली रियलीट थैंक यू सना अगेन ज्यादा मज़ा मुझे उस वक्त आएगा जब आप लोग आ, अपना आइडिया सबमिट कराएंगे। तुबा खान रियली एंजॉयड द सेशन बहुत शुक्रिया तुबा प्लीज सवाल लिखिए यकीनन थैंक यू आई अप्रिशिएट कि आप सब लोग मुझे थैंक यू नोट लिख रहे हैं और मैं आ, उसको बहुत वैल्यू करता हूँ इस वक्त सवाल अगर आप करें तो ज्यादा अच्छा होगा कि मैं आपको आ, और दूसरे लोगों को भी उसका फायदा होगा ठीक है ना तो अगर आप सवाल करें तो ज़्यादा अच्छा है uh, भाई खान हाईली अप्रीशिएटेड अच्छा जी इमरान बिन नज़ीर पूछ रहे हैं सर आई हैव एन आइडिया बट आई डोंट फाइंड आई डिड नॉट फाउंड माई कंसर्न थीम टू डिस्कस जी इमरान एज लॉन्ग एज आपका आइडिया उन छह एरियाज में है सेक्टर्स uh, में Uh, आप जो है अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट ख़ुद डिफाइन कर सकते हैं तो जरूरी नहीं है कि जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने डिफ़ाइन किए हैं तो जब आप प्रॉब्लम एरिया सेलेक्ट करने पे आएंगे वहाँ पे एक ऑप्शन है अदर वो अदर का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो खुद ब खुद एक बॉक्स आ जाएगा जिसमें आप अपनी खुद की क्या uh, कहते के, हैं अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट डाल सकते हैं अच्छा जी बिलाल नज़ीर पूछ रहे हैं सर इज़ नेसेसरी टू प्रेजेंट फिजिकली इन द होस्टेड सिटी फॉर द आइडिया नहीं ऐसा नहीं है ऑनलाइन हमारे ये सब हाइब्रिड होगा यानी ऑनलाइन भी होगा और आ, रियल टाइम भी होगा लेकिन आ, आप दूर बैठे हुए तो आप यकीन जूम से ये कर सकेंगे आज के दौर में तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को अब वापस पुरानी दुनिया में नहीं जाना चाहिए ज़ूम का इस्तेमाल बहुत कॉमन है हम और हम इन कोशिश करेंगे कि लोगों को ट्रेवल की जहमत कम से कम हो लेकिन प्रोविंशियल और नेशनल लेवल पे हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि बहरहल लोग आए तो अच्छा है नेशनल पे तो ख़ास तौर पर सर हमारे अपना आइडिया कैसे सबमिट करना होगा ये हमें कोई लिंक भेज दीजिएगा

इवन आपकी उम्र 18 साल से कम है तो आपके पेरेंट्स आपके बिहाफ के ऊपर एप्लीकेशन डाल सकते हैं तो अपने पेरेंट्स से कहिए कि वो आपके बिहाफ पे डालें तैयारी तो आप कीजिए उनसे कहिए कि वो आपको हेल्प करें इसकी एंट्री करने में आ, सर सर तलहा चौधरी का है है कि सर, अगर idea select होता है, तो कितनी ड्यूरेशन के लिए इनक्यूबेशन होगी इंक्यूबेशन का प्रोग्राम जो हम ऑफर कर रहे हैं इसमें वो बारह महीने का है आइडिया um, जिसका ट्वेल्व मंथ्स का इनक्यूबेशन सर जैनश करीम का जो है वो क्वेश्चन है कि सर मेकिंग अ टीम और कैन वी जस्ट डू इट अलोन। अच्छा आप इस प्रोग्राम में तो अपनी एंट्री अलोन कर सकते हैं लेकिन मैं आपको अपने तजर्बे से ये बात बताना चाहता हूँ कि किसी uh, भी आइडिया पे काम करने के लिए आपको टीम चाहिए होगी तो जितनी जल्दी आप अपनी टीम स्टेब्लिश करना शुरू करें उतना ज्यादा काम आपके लिए आसान होगा आ, सर गेमर का क्वेश्चन है कि एक से ज्यादा सबमिट करवा सकते हैं? जी बिल्कुल करवा सकते हैं हम सजेस्ट यही करते हैं कि एक आइडिया के ऊपर फोकस करें लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल आइडियाज हैं और आप खुद भी अभी नहीं तय कर पा रहे हैं कि मैं किसके ऊपर काम करूं तो आप एक से ज्यादा भी दे सकते हैं लेकिन प्लीज आ, ये कोई कॉन्टेस्ट का नहीं है कि कितने आइडियाज आपके पास हैं तो आ, आपको भी सेलेक्ट करना पड़ेगा अपने बहुत बहुत सारे आइडियाज आइडियाज में कि कि किन को आप समझते हैं कि वो आपके मैंने जैसा बताया कि कोई शर्त नहीं है एजुकेशन की कोई शर्त नहीं है उम्र की कोई शर्त नहीं है कि कहाँ आप रहते हैं आप पाकिस्तान में रहते हो पाकिस्तान से बाहर रहते हो कुछ ना पढ़े हुए हों या पीएचडी किया हुआ हो सब चलेगा आइडिया आपने सही से सबमिट कराना है अगर आपने आइडिया सही से नहीं सबमिट कराया और देखें जेन्यन आइडियाज दूसरे लोगों के आइडियाज चोरी करके कॉपी करके ना शेयर करें अपने खुद के आइडियाज शेयर कीजिए जिसको आप वाकई में जिनके ऊपर काम करना चाहते हैं ऐसे आइडियाज़ आप खुद भी नहीं काम करना sir, uh, नहीं है के, sir, जी बिल्कुल आपने देखा है की इसके अंदर एंट्री uh, में आप डिवेलप uh, प्रोडक्ट के लिए भी आप बिल्कुल uh, कर सकते हैं बल्कि मैं तो ज्यादा वेलकम करूंगा उन आइडियाज को जो ऑलरेडी मेचोर उस लेवल पे पे आ चुके हैं वो वैलिडेट हो चुके हैं डेवलप हो चुके हैं एटलीस्ट प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट एम वी उनका बन चुका है क्योंकि वो आइडियाज हैं उनको ज्यादा तेजी से आगे ले जाया जा सकता है और uh, लेकिन कोर्स uh, जो अर्ली स्टेज आइडियाज हैं वो भी टोटली totally वैल्यूबल हैं। सर खान क्वेश्चन है कि जो हमारे टीम होंगे वो खुद भी रजिस्टर होंगे

अगर आपने उन आइडियाज को आगे बढ़ाना है तो जिस तरह बच्चे को बढ़ाते हैं उसी तरह आपने काम करना है अगर आप अपने आइडिया के ऊपर काम ही नहीं करने को तैयार हैं तो उस बच्चे की कौन टेक केयर करेगा तो लिहाजा जो आइडियाज आप दे रहे हैं आप ये भी आपकी कमिटमेंट होनी चाहिए ये आपकी जिसको आप कहें कि पैशन होना चाहिए कि उस आइडिया पर आपने काम करना है अगर आपने काम ही नहीं करना है तो फिर क्या वैसे तो मैं भी बहुत सारे आइडियाज लोगों को दे सकता हूँ हर वक्त देता रहता हूँ उसका कोई आ, मेरे लिए उसका कोई फायदा नहीं है हाँ अगर कोई दूसरा आदमी ये वैल्यू समझता है कि उसने उस आइडिया पे काम करना है तो करे लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते काम तो आप आइडिया सबमिट ना करें फिर बिलाल नजीर का क्वेश्चन है कि सर व्हाट विल बी द प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूशन क्राइटेरिया विनर्स फ्रॉम सिटी लेवल विल गेट एनी प्राइज और नॉट और इट्स नेसेसरी टू विन द नेशनल लेवल फर्स्ट आ, नहीं आ, सिटी लेवल वाले भी प्राइज आ, उनको मिलेंगे प्रोविंशियल वालों को भी मिलेंगे और नेशनल लेवल वालों को भी मिलेंगे और तीनों लेवल के ऊपर कैश प्राइजेस भी होंगे और एडिशनल प्राइजेस भी होंगे तो लिहाजा सबको इनशाला देखें इसका एक मैं आप लोगों को फिर क्लियर कर दू इस बात को कि इस कंपटीशन का मकसद अच्छे आइडियाज को सामने लेकर आना है और आपको रिकग्नाइज करवाना है और आपके लिए सपोर्ट क्रिएट करनी है ठीक है ना तो सबसे बड़ी वैल्यू जो आपको मिल रही है इस आइडिया में वो आपको ये सपोर्ट है कैश uh, प्राइस का मकसद आपको इनकरेज करना है आपकी हिम्मत बंधानी है ठीक है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई uh, करोड़ों अरबों रुपए मिल जाएंगे और आप एकदम से uh, क्या कहते हैं अपना यू uh, नो you know, uh, पैसों में खेलने लगेंगे ऐसी बात नहीं है ये प्राइजेस आपकी हिम्मत बंधाने के लिए हैं लेकिन हर लेवल पर हमने कोशिश की है कि सबको Uh, कुछ ना कुछ कैश प्राइज uh, जरूर मिले जो जीते uh, sir, के है कि, be, uh, idea, अच्छा आइडियाज का जब आप सबमिट कराएंगे तो uh, उसका क्वालिटी ऑडिट होगा जो कि आठ नवंबर के बाद Um, उस क्वालिटी ऑडिट का रिजल्ट आपको मिल जाएगा बिटवीन एट नवंबर एंड ट्वेंटी फर्स्ट नवम्बर क्योंकि इस दौरान में हम चेक कर रहे होंगे सारे आइडियाज़ को और जो idea, जो जिन्होंने एंट्री सही तरह नहीं की है यानी जिन्होंने या गलत इंफॉर्मेशन दी है या उन्होंने एंट्री के अंदर गल, जो प्रोवाइड करनी चाहिए थी चीज़ें वो नहीं प्रोवाइड की हैं तो वो रिजेक्ट हो जाएंगे लिहाजा अपनी एंट्री सही तरीके से कीजिए और जो आइडियाज सेलेक्ट um, होंगे सिटी लेवल पे उनको एडवांस में पता पड़ जाएगा कि वो सिटी लेवल के ऊपर प्रेजेंटेशन उनको देनी है और उनकी डेट और टाइम भी उनको बताया जाएगा तो देखें सिटी लेवल के ऊपर हर सिटी से अठारह आइडियाज प्रोविंशियल लेवल पे जाएंगे और प्रोविंशियल लेवल से जो आ, जो है नेशनल के ऊपर 18 आइडियाज जाएंगे नेशनल पे तो आप हिसाब लगा लीजिए उसी से सर बिग माइट इज आस्किंग सर आई एम फ्रॉम गिलगित बल्तिस्तान कैन आई सबमिट द आइडिया जी बिल्कुल आप हम तो चाहते हैं खास तौर पे हमारी वो कम्युनिटीज जो बड़े शहरों से बाहर हैं लोग जो छोटे शहरों में रहते हैं दूर इलाकों में रहते हैं खातन ट्रांसजेंडर्स जो कम्युनिटीज मार्जिनलाइज हैं हम उनको बहुत इंकरेज करना चाहते हैं कि प्लीज़ आप अपने आइडिया ज़रूर आगे ले कर ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए नेशनल लेवल के ऊपर रिकग्निशन हासिल करने की तो प्लीज़ बिल्कुल ना घबराएँ बल्कि यू नो you know, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए आप हमें मैसेज कीजिए हमसे पूछिए हम आपकी पूरी मदद करेंगे

आप लिंक में इनको ये यू भी दे दीजिएगा रुकैया पी के डैश आईडिया आई डी एट डॉट डॉट कॉम और इसके ऊपर जाकर आप रजिस्टर हों आपको हम एक्सेप्ट कर लेंगे आई डी एट के अंदर स्पेशली फॉर दिस पर्पस और आपने फिर उसमें जो भी अपना आइडिया है उसको कैसे डिफाइन uh, करना है उसके कोई बारह पंद्रह स्टेप्स हैं अगर आप पहले छः सात स्टेप भी कर लें तो आपके पास क्लियरिटी आ जाएगी जी रुपया और कोई है प्लेस आई एम लिविंग यस course यू कैन वी वुड लव दैट हम तो चाहते हैं कि आप जो आपका शहर है आपका इलाका है वहां से ही आप करें। जी रुकैया और कुछ है डन। yeah, अभी तक अच्छा तो चलें सही है माशाल्लाह इट वाज गुड। मेरे ख्याल में अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो अभी पूछ ले नहीं तो वी आर क्लोजिंग द सेशन वैसे अभी थोड़ा टाइम तो है आ, ये जैन रहमान पूछ रहे हैं टीम का एक ही मेंबर अप्लाई करेगा या सब मेंबर अप्लाई करेंगे जैन अभी जैसे मैंने बताया

लेकिन वो लोग जो आज की ट्रेनिंग के बाद और अपना आइडिया जो सबमिट करा चुके हैं लेकिन आज की ट्रेनिंग के बाद दोबारा करना चाह रहे हैं तो आज की तारीख में सिर्फ एज ऑफ टुडे जिन लोगों ने अपना आइडिया सबमिट करा दिया है वो दोबारा करवा सकते हैं लेकिन सिर्फ जिन्होंने आज की तारीख से पहले तक किया था तो अगर आपको अब लग रहा है आज की ट्रेनिंग के बाद कि आपको कुछ चेंजेस करनी है कुछ बेहतर बनाना है अपनी एंट्री को तो अभी आप कर सकते हैं इसके बाद आप नहीं करेंगे आपने वही ई एड्रेस यूज करना है जो ईमेल एड्रेस आपने पहले दिया था और ताकि हमें पता रहे और ये बात जहन में रहे कि जो लोग क्या के कहते हैं अपना अपना पुराना आइडिया दोबारा से सबमिट करा रहे हैं कि वो अपने जो अदर इंफॉर्मेशन का बॉक्स है उसके अंदर जरूर ये डिटेल दे दें कि ये हम रिसबमिट हैं सो वहां पे आप लिख दें कि रिसबमिट

which are already implemented in other country but not in pakistan ji bilkul ye sawal pehle bhi do sessions mein aa chuka hai maine iska ye jawab diya tha bilkul kar sakte hain the runner is asking if our idea is not related to six sectors then what uh, what i should do अगर इन सिक्स सेक्टर्स से रिलेट नहीं करते हैं तो अभी आप इंतजार करें हमारा जो नेक्स्ट राउंड आएगा उसके अंदर बारह सेक्टर्स होंगे सो दैट विल बी बेटर आप चाहें तो सबमिट आइडिया के पेज पे देख सकते हैं बाकी सेक्टर्स जो नेक्स्ट कंपटीशन में आने वाले हैं मोहम्मद जीशान ने आस्किंग कि टीम लाजमी है आइडिया सबमिट करने के लिए नहीं ये जवाब मैं पहले भी दे चुका हूं टीम लाजमी नहीं है आप चाहें तो Uh, अकेले भी कर सकते हैं लेकिन जैसा मैं हर एक को कहता हूँ एक आइडिया पे काम करने के लिए टीम की जरूरत होती है और आप एज अ लीडर अगर कुछ लोगों को कन्वेंस ही नहीं कर सकते कि वो आपके आइडिया पे आपके साथ काम करें तो आप कैसे आ, जो है वो अपने आइडिया को आगे लेके बढ़ेंगे आठ नवम्बर दो हजार इक्कीस शाम को मेरे ख्याल में रात के 11 बज कर 99 59 मिनट तक 59 11:59 pm सर एम ओ ओ सी कोर्सेस आस्किंग सर आई हैव अ टेक्निकल आइडिया फॉर स्टार्टअप बट आई हैव नो डीप नॉलेज इन इट बिकॉज़ दैट इज अ रिसर्च बेस्ड देखें आप अगर uh, आइडिया के बारे में आपको अंदाजा है कि उसको कौन इस्तेमाल करेगा किसको फायदा होगा और यह आपकी नॉलेज है और टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो ठीक है इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है आपके लिए अच्छा होगा कि आप किसी टेक्निकल बंदे को अपनी टीम में शामिल करें ताकि आपको टेक्नोलॉजी की साइड कवर करने में आसानी हो लेकिन आप आइडिया जरूर सबमिट करा सकते हैं उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता सर हसन अली इज आस्किंग आई आई एम वर्किंग ऑन अ प्रॉब्लम इन हेल्थ केयर व्हिच हैव सॉल्वड सिंस 4 इयर्स नहीं आया have... जी जी ये तो आ, हसन अली आप यकीन सारी की सारी जितनी भी चीजें अभी मैंने बयान की है वो आप ही सपोर्ट के लिए तो बिल्कुल क्यों नहीं करेंगे आप प्लीज क्या कहते के हैं अपना आइडिया सबमिट करें आ, और देखें कि कैसे होता है अच्छा तरीके से उसको प्रेजेंट करें इनशाला विनिंग आइडिया हेल्थ केयर में तो पाकिस्तान में बहुत जरूरत है जी उमर भट्टी साहब आप सवाल कर रहे हैं कि हम व्हाट टाइप ऑफ हेल्प के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं और अगर हमें एक से ज्यादा चीज़ों में हेल्प चाहिए तो हम क्या करें तो यहाँ पर जो मकसद है वो ये कि सबसे इम्पोर्टेंट हेल्प जो आज अभी आपको चाहिए वो कौन सी है तो यू हैव टू मेक अ डिसीजन और जहन में रहे कि एज एन इनोवेटर एज एन एंटरप्रनोर यू विल ऑलवेज हैव दिस इन फ्रंट ऑफ यू द क्वेश्चन कि आप आ, जो है आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ के ऊपर आपने फोकस करना है

क्योंकि ये चीजें तेजी से स्क्रॉल हो जाती हैं तो इस वजह से पीछे रह जाते हैं कुछ सवाल तो आप दोबारा टाइप कर दीजिए आनिया रईस कह रही है समझ नहीं आ रही कि आइडिया कैसे दें अरे भाई आनिया इतनी मुश्किल बात नहीं है पिछली वाली प्रेजेंटेशन मेरी देखिए पहले पिछले हफ्ते वाली ट्रेनिंग उसके अंदर मैंने बताया कि अच्छे आइडियाज कैसे ला सकते हैं

किसी इन्वेस्टर को इन्वेस्टर होंगे जिनके सामने अगर आप इन्वेस्टर रेडी हैं तो आप इन्वेस्टर के सामने प्रेजेंट करेंगी और फिर वो अगर समझेंगे कि आपका आइडिया अच्छा है तो आप यकीन उसको उस उस उसमें ले सकती हैं क्योंकि मुझे पहले ये अंदाजा नहीं था पाकिस्तान के अंदर लोग सपोर्ट का मतलब सिर्फ लेते ही पैसों से सपोर्ट हैं जबकि मैं जब सपोर्ट का वर्ड इस्तेमाल करता हूँ तो उसका मतलब एक ब्रॉडर सपोर्ट होती है मुख्तलिफ तरीकों से तो इस वजह से मैं इसको इस तरह कह रहा हूं नहीं तो जाहिर है कि इस पूरे प्रोग्राम का मकसद ही सपोर्ट प्रोवाइड करना है अच्छे कोर्स सर हाउ मेनी पेजेस विल बी द प्रेजेंटेशन ऑफ आइडिया कोई पेजेस नहीं है भाई प्रेजेंटेशन के आपने तीन मिनट के अंदर जजेस के सामने अपना आइडिया प्रेजेंट करना है और बाकी जो चीज आप एंट्री में दे रहे हैं वो आपकी आ, एंट्री है मेरी सजेशन ये है कि जो स्कोरिंग का मैकेनिज्म है जो स्कोरिंग के ऑप्शंस हैं अपनी तीन मिनट की प्रेजेंटेशन में उनके ऊपर फोकस करें ताकि जजेस को अंदाजा हो सके कि आप आ, किस तरह स्कोर करते हैं जी और सर तो अब्दुल हमीद ऑफिशियल इज आस्किंग सर क्या बैंकिंग रिलेटेड आइडिया दे सकते हैं फिनटेक uh, के अंदर यकीनन ई कॉमर्स फिनटेक हमने उसको ओवरऑल इस्तेमाल किया yes, Hira, है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज यस यू कैन हिरा वहा पूछ रही हैं हु विल बी द इन्वेस्टर्स तो देयर आर मल्टीपल पार्टनर्स ऑन द इन्वेस्टर फ्रंट्स वी हैव इग्नाइट फॉर एग्जांपल दे विल बी लुकिंग इनटू आइडियाज़ पाकिस्तान हंड्रेड एंजल्स है उसके अलावा और वेंचर कैपिटल फंड जिनसे हम कॉन्टेक्ट कर रहे हैं दे विल भी देयर लेकिन प्लीज जहन में रखें कि एक आइडिया खाली अच्छा होने की वजह से उसमें इन्वेस्ट नहीं होती है उसके लिए और बहुत सारे लवाजमात जरूरी हैं लेकिन हम आपको वो हेल्प प्रोवाइड करेंगे जिससे आप उसके लिए रेडी हो सकें इनशाला दानी बाबा पूछ रहे हैं कि मैं मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता हूं। इस हवाले आ, के बताएं कि मैं कैसे आइडिया दे सकता हूं। तो अगर आपके पास मोबाइल फोन के हवाले से कोई एक ऐसा आइडिया है जिससे बहुत सारे लोगों को फायदा पहुंच सकता है उनके लिए जिंदगी बेहतर हो सकती है उनका काम बेहतर हो सकता है जैसे मैंने बताया तो आप यकीन उसको क्या कहते के, हैं अपना दे सकते हैं लेकिन वो क्या बेहतरी होगी और वो कैसे होगी उसकी बुनियाद के ऊपर ही आपने डिसन लेना है आप पिछली वाली मेरी ट्रेनिंग देखें पिछले हफ्ते वाली उसके काफी है। Sir, asking, got, answer, जी जो सवाल मैं जवाब दे चुका हूँ उनको रिपीट ना करें उनको लिख दें हमारी टीम के ये जवाब पहले दिया जा चुका है वीडियो देख लीजिए या तो या उनको जवाब लिख के दे दें क्योंकि हमारी टीम भी तो मौजूद है वहां पर इसके बाद ये वो Uh, जैसे ये ब्रदरहुड वाले पूछ रहे हैं हाउ लॉन्ग दी इनक्यूबेशन पीरियड इफ एनी तो ये बताया जा चुका है कि बारह महीने का है। जी uh, मतलब कोर्स आपका नाम uh, मोहम्मद उवैस है uh, अब समझ आ गया मुझे यहाँ पे आपका नाम मतलब कोर्स ही लिखा हुआ आ रहा था जी जुनेद आरिफ आपका क्या क्वेश्चन है

जुनेद आरिफ को कोई कांटेक्ट करके प्लीज आप मुझे बताएं उनका क्या क्वेश्चन है ताकि उनके क्वेश्चन का जवाब दिया जा सके। जुनेद पढ़ रहे हैं हम आपका जो आप लिख रहे हैं लेकिन मुझे आपका सवाल नहीं नजर आ रहा तो जाहिर है तेजी से ऊपर चला जाता है और मैं जवाब देने में मसरूफ हूं तो मैं बार बार स्क्रॉल नहीं कर सकता ऊपर Um, सलाह मशवरा पूछ रहे हैं कैन वी लुक एट द ट्रेनिंग वीडियोस अगेन बिल्कुल ऑफ कोर्स यूट्यूब के ऊपर ये पहले वाली दो भी अवेलेबल हैं और आज वाली भी अवेलेबल होगी आप बिल्कुल देख सकते हैं चलें जी कोई अगर जुनेद आरिफ को प्लीज कांटेक्ट uh, करके देख ले वो क्या सवाल है उनका मैं उनका जवाब दे दूं क्योंकि वो काफी परेशान हो रहे हैं जनेद आरिफ का सवाल सवाल है कि कैन बी सबमिटेड बिफोर ट्रेनिंग ट्रेनिंग और आफ्टर एक उनका सवाल मैंने अभी पीछे ट्रैक किया अब ये आ, अच्छा देखें इस सवाल का तो अब कोई जवाब आ, बनता ही नहीं है क्योंकि आज ये तीसरी ट्रेनिंग थी ये मुकम्मल हो गई तो अगर आज के बाद आप सबमिट करेंगे तो आज के बाद जितने भी आइडिया सबमिट होंगे वो आफ्टर ट्रेनिंग ही होंगे बिफोर ट्रेनिंग अगर किसी ने सबमिट कराए हुए आइडियाज उनको हम सिर्फ ये ऑप्शन दे रहे हैं कि वो चाहें तो रिसबमिट कर सकते हैं थे। ये सेशन है आज। लेकिन मुझे ये सवालों के जवाब दे... सवाल देख कर और आप लोगों का कर, amazing, मेरे में हमको एक और सेशन करना चाहिए मैं अभी इसके बाद टीम से बात करूंगा uh, की हम जो है वो एक और सेशन किसी तरह करें और आप लोगों के और सवाल का जवाब दें और उस सेशन का मकसद ही सिर्फ सवालों के जवाब देना और हम बैठे आराम से घंटे भर आप सवाल करते जाएं हम जवाब देते जाएं ठीक है लेकिन मैं आपको यह सजेस्ट करूंगा कि हर चीज आसानी से करने के बजाय थोड़े सी इसमें मेहनत भी करें हमारी साइट के ऊपर फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन हैं उनमें सारे बहुत सारे सवालों के जवाब मौजूद हैं बजाय इसके कि वही सवाल बार बार आते रहें आप अगर दो मिनट के लिए जाकर फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन देख लेंगे तो उसमें आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे तो कोशिश ये करें कि सवाल ऐसे लेकर आए जो यूनिक हो जो पहले नहीं किए गए हों और जिससे आपको भी फायदा पहुंचे और दूसरों को भी फायदा पहुंचे सवाल जस्ट सवाल करने के लिए कि बस मुझे कोई सवाल करना है कोई भी कर लू उसका कोई फायदा नहीं है या ऐसे सवाल करना जिनका जवाब ही मुमकिन नहीं है वो भी एक सबका टाइम उसमें ज़ाया होता है तो लिहाजा कोशिश ये करें के पहले रिसर्च कर लें अपनी और फिर जो सवाल करें वो ज्यादा आ, उसका फायदा आपको भी पहुंचेगा और दूसरों को भी पहुंचेगा ठीक है जी अवैध अवैध साहब पूछ रहे हैं कि इंटरनेट कनेक्शन ड्रॉप हो जाए ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन तो क्या हमें एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा यकीन ऐसी चीजें रीजनेबल है कि क्या कहते हैं अपना एक्स्ट्रा टाइम दे दिया जाए जिसका कनेक्शन ड्रॉप हो जाए तो ये तो कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है बिल्कुल वी डू दैट अच्छी बात है चले मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफी है हमारा टाइम अब खत्म हो गया है। इनशाला आप लोगों को हम रीच आउट करेंगे नेक्स्ट सेशन के हवाले से ये टेम्पलेट आज रात को अवेलेबल होगी आप लोगों को ई में भी मिल जाएगी इनशाला ठीक है तो अब इजाजत दें मुझे अल्लाह हाफिज السلام عليكم